हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, अगर कोई भी फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर कोई भी फ़ोन आपका गुम हो जाता है तो पहले क्या चीज़ करना है। इसके लिए जो वीडियो है मैंने वीडियो बना लिया है और मैं आई बटन पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि इंस्टेंटली अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया तो आप तुरंत ही कोई भी मोबाइल से वो वाला ऑप्शन ऑन करके आप फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बोलने वाला हूँ ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जो आप बाद में भी कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है वो इससे थोड़ा अलग है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप खुद घर बैठे उस फ़ोन का IMEI नंबर ब्लॉक कर सकते। हाँ, आपने सही सुना। तो जो फ़ोन है, जो आपका फ़ोन चोरी हो गया या फिर आपका फ़ोन लॉस्ट हो गया, अगर उस फ़ोन को आप फाइंड माई डिवाइस से ढूंढ नहीं पा रहे हो तो ये वाला ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो। हालांकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट ही है, कि ऐसा कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं कि आप कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर लो कि आपका फ़ोन का डेटा लॉस्ट हो जाएगा या और कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको दो चीज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आपका पुलिस कंप्लेन लगेगा, आपका बिल लगेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है आप कोई भी फ़ोन जो IMEI नंबर आप बंद करना चाहते हो, कोई भी फ़ोन का आप IMEI नंबर बंद कर दो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप वापस उसको अनब्लॉक नहीं कर सकते। अगर आपका फ़ोन मिल जाता है तो आप वापस उसको अनब्लॉक भी कर सकते हो। हाँ, आपने सही सुना। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलिए देखते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में तो कैसे ये वेबसाइट से आप कोई भी लॉस्ट वाला या चोरी हुआ वाला फ़ोन आप उसका IMEI नंबर ब्लॉक कर सकते हो। चलिए, तो आपको पहले इस वेबसाइट में आना है। तो वेबसाइट का नाम है www.ceir.gov.in। वापस देख लीजिए, www.ceir.gov.in। ओके, तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको जो चीज करना है कि आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आपको लॉगिन भी नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ इस ऑप्शन में आ जाना है कि ब्लॉक स्टोलेन और लॉस्ट मोबाइल, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको डिटेल्स भरना होगा। तो डिटेल्स क्या है एक बार देख लेते हैं। पहले आपका मोबाइल नंबर देना होगा, सेकेंडली अगर आपका ड्यूएल सिम है तो उसका भी नंबर आपको इसमें डालना होगा, ठीक है। फ़ोन का IMEI नंबर जो 15 डिजिट का IMEI नंबर है, आपका बिल में भी हो जाएगा और आपका बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा कि 15 डिजिट IMEI नंबर और सेकेंड IMEI नंबर दोनों ही आपको डालना होगा, ठीक है। तो ब्रांड कौन सा है, आपको अगर कोई भी ब्रांड का है तो उस फ़ोन का जो वीवो ओप्पो जो भी हो आप उसी फ़ोन का मॉडल कंपनी का नेम आप यहां से चूज़ कर सकते हो, वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन को लिमिटेड। तो अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है डिवाइस मॉडल, आपका जो मॉडल नंबर है वीवो का, अगर जो भी कंपनी का होगा आपका तो उस कंपनी का मॉडल नंबर आप यहाँ डाल देंगे। और उसका जो इनवॉइस है, आपने जो परचेस किया था जो बिल होता है उसको आप इस फाइल में आप डाल देंगे, ठीक। तो नेक्स्ट जो आता है लॉस्ट इंफॉर्मेशन, आपको लॉस्ट जो प्लेस था, आप कहाँ से आपका फ़ोन चोरी हुआ या आपका फ़ोन खो गया है, तो उस जगह का नाम, डेट, उस स्टेट कहाँ, कौन सी स्टेट में आपका हुआ है वो वाला चीज़, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो पुलिस का जो आपका कंप्लेन नंबर है तो पुलिस का कंप्लेन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, और पुलिस स्टेशन, कौन से पुलिस स्टेशन से आपने ये कंप्लेन किया है तो उस पुलिस स्टेशन का नाम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और चूज फाइल बोलकर आता है जहाँ अपलोड पुलिस कंप्लेन, ठीक है। तो आप कंप्लेन का जो फोटो आपने पर्ची निकाला है उसका भी आपको फोटो यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद मोबाइल ओनर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका खुद का नेम, आपका खुद का एड्रेस, आपका आइडेंटिटी लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, क्योंकि अगर आपके नाम का बिल है और किसी और का
पैन कार्ड डाल देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा, तो आपका ही फ़ोन है इसलिए आपका ही डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद ही ये आपका IMEI नंबर ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको फाइल चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर आपका पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ डालना होगा, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगा, और ये जो कैप्चा है इस कैप्चे को आपको फुलफिल करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर देना होगा जहाँ पे आपका OTP आएगा। ठीक है, तो गेट OTP करके आप मोबाइल नंबर को OTP डाल दीजिएगा। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में टिक कीजिए डिक्लेरेशन फॉर्म में, और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। अब जो होगा इसमें आपको कुछ स्टेटस दिखाएगा। ठीक है, स्टेटस क्या है, चेक स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रिक्वेस्ट आईडी आपका फ़ोन में आएगा उस रिक्वेस्ट आईडी से आप स्टेटस देख सकते हो कि फ़ोन आपका ब्लॉक हुआ है कि नहीं। उसके बाद अगर आपका फ़ोन मिल जाता है, मान लीजिए आपका फ़ोन मिल गया है, आपको पुलिस ने वो वाला फ़ोन ढूंढ दिया है, तो आप उसके बाद आप वही चीज़ अनब्लॉक में जाके सेम रिक्वेस्ट आईडी देकर, फ़ोन नंबर देकर, और रीज़न क्या है उस रीज़न देकर, रिकवरी बाय पुलिस, फाउंड बाय सेल, ब्लॉक माय मिस्टेक, आप कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका फ़ोन मिल जाता है। तो ऑप्शन ऑन करने के बाद, कैप्चा वेरिफिकेशन करने के बाद, आपको मोबाइल लेने के मोबाइल जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे फिर से OTP आएगा, और उसके बाद ही आप इसमें सबमिट करेंगे तो वो IMEI नंबर अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए एक नया इन्फॉर्मेशन, और आगे ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लाना चाहता हूँ। तो अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।